नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एक बार फिर पुतिन और ट्रंप आमने सामने। रूस ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश। अमेरिका की तरफ से कड़े प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद रूस ने उठाया यह कदम। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अमेरिका ने और प्रतिबंध लगाए तो देंगे माकूल जवाब। नेपाल में चीन कर रहा है सर्वाधिक निवेश, भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। 2016-17 के दौरान चीन ने 5 अरब 22 करोड़ जबकि भारत ने 1 अरब 24 करोड़ निवेश का दिया प्रस्ताव। उत्तर कोरिया को लेकर आमने सामने चीन और अमेरिका। ट्रंप के ट्वीट पर चीनी मीडिया का जवाब, कहा ट्वीट से नहीं सुलझेगा उत्तर कोरिया का परमाणु मसला। कल ट्रंप ने चीन को लेकर जताई थी निराशा। और स्विट्जरलैंड में खुला दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा के लिए ब्रिज, यूरोप ब्रिज नामक यह ब्रिज जो 1620 फीट लंबा और 278 फीट की ऊंचाई पर स्विट्जरलैंड के रांडा में जेरमेट और ग्रेचेन नामक दो पहाड़ी गांवों को जोड़ता है यह ब्रिज। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।